तो यार आप सभी का स्वागत है एलन वेक रीमास्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो यार इस वीडियो के अंदर हम फाइनली अब आगे चल के जनरेटर को ऑन करेंगे और आगे का पूरा जो मेन सिनेरियो है गेम का वो शुरू करेंगे। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। तो यार मैं ऐसी कुछ चीज़ें चेक कर रहा था और गलती से मुझे ना एक चीज़ दिखी, ये है स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन के अंदर। अब इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं सोच रहा था कि जो हमने जितने भी कलेक्टेबल्स कलेक्ट किए हैं वो कहाँ दिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे ये प्रूफ देखो कि भाई साहब कितने सारे कलेक्टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर पहले देखा जाए 6 जो है अलग अलग किल्स हैं, तो बेसिकली हम जो इस्तेमाल करेंगे इस गेम के अंदर एक रिवॉल्वर, फ्लेयर गन, शॉट गन, हंटिंग राइफल, फ्लैश बैंग्स और व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स वगैरह का भी हम इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब। और इनडायरेक्ट किल्स भी है इसमें, मे बी जैसे कि हमने किसी को गिरा दिया किसी खाई से वगैरह ऐसा कुछ शायद से। और ये क्या है, पोल्टरगाइस्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉयड, पता नहीं बर्ड स्केल्ट मतलब बर्ड से भी लड़ाई होने वाली है। बैटरीज यूज, जो टॉर्च में बैटरी जो होती है उसकी बात हो रही है। मैन्यूस्क्रिप्ट पेजेस फाउंड, सैडली नाइट में डिफिकल्टी में ही हम मैन्यूस्क्रिप्ट को एक्वायर कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा अनयूज्ड, ये वाला 0 पे रहेगा पूरे गेम के अंदर। कॉफी थर्मस हमने 6 ली हैं, कैन पिरामिड जो है टोटल 12 है जिनमें से हमने एक नॉक कर रहा है, तो अगर कैन पिरामिड हमें फ्यूचर में मिले तो हमें उन्हें गारंटीड नॉक करना ही करना है। चेस्ट भी कलेक्टेबल है, रेडियो शो हमें एक मिल चुका है और टीवी शो एक कलेक्टेबल है, साइंस, अलार्म क्लॉक्स, कार्डबोर्ड स्टैंडीज, नाइट स्प्रिंग्स, वीडियो गेम्स फाउंड। याद है जो सपना था एलन वेक का, वो नाइट्स उसमें लिखा हुआ था ना ब्रिज के ऊपर, वेलकम टू नाइट स्प्रिंग्स। तो ये मुझे देखना है कि नाइट स्प्रिंग्स क्या है। खैर अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी गड़बड़ के। ये देखो ये जो ऑप्शन है ना मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता नहीं, अभी मैं थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, शायद से यहाँ पे हम जो कलेक्ट करेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को उनको खोल के पढ़ सकते हो, शायद से पूरी बुक है इसमें, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है शुरू करते हैं और मज़े लेते हैं, अब अच्छे खासे कटसीन्स होने वाले हैं। बेसिक, सॉरी सॉरी मैं कहीं और ध्यान दे रहा था, बड़ा बेसिक सिस्टम है। हमें एक ट्रॉफी मिली, लेट देयर बी लाइट। चलते हैं वापस। It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. ठीक है वापस चलते हैं। यहाँ पे और कुछ है जो हम कर सकते हैं? नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके जनरेटर की आवाज़ से मैं सोचो कैसी आवाज़ आ रही है एकदम से ये। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या झांक सकते हैं अंदर? थोड़ा बहुत ही झांक सकते हैं, आगे बढ़ते चलो। ठीक एलिस, है हनी, एलिस कहाँ पर है? ऊपर चलते हैं, शायद ऊपर होगी। ओके देखते हैं अब क्या सरप्राइज है। Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. ठीक है। Surprise. Alice, what is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn it, Alice, you.
Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? I don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? ठीक है, चलते हैं। वैसे तुमने देखा था जब पहली बार लाइट गई थी तब एकदम से चेहरा दिखा था मैं लेडी का। उप्स, बर्ड्स जो है हमारे पे अटैक करेंगी, इनको मारना जरूरी है। गई या बची अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हो गया। यहाँ पे भी एक फ्लॉक है बर्ड्स का, ये कुछ करेंगी? हाँ करेंगी ये। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शनल है। लेकिन ये एक्चुअल बर्ड्स है, ये डार्कनेस वाली बर्ड्स है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। वेल, अगर वैसे अगर स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए सो बर्ड्स किल्ड 39। ठीक है, एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है मेरे ख्याल से। कोई ट्रॉफी वगैरह होगी मेरे ख्याल से, एटमोस्ट एक ट्रॉफी मिल जाएगी हमें। नाइस, भाग गए, चलते अब। देखते हैं क्या हुआ है एलिस को। No! Keep going, Alice. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. ठीक है, पता नहीं बीवी बची कि नहीं। पहले मुझे थोड़ा बहुत पता है एक्चुअली कि बची कि नहीं, क्योंकि मैंने कंट्रोल गेम खेल रखा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। एक सेकंड को जरा। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ है इंट्रैक्टेबल है। Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. जिसको याद नहीं है, मैंने जिसको बताया था कंट्रोल के अंदर एक डीएलसी था एलन वेक से रिलेटेड, उसके अंदर जो मेन विलन था वो था एमिल हार्टमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ तो हुआ यहाँ पे। यहां से नहीं जा सकते हैं। यहां थोड़ा देख के। गैस स्टेशन वाज माय बेस्ट बेट।
they'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. ठीक है, लेकिन देखा जाए चीजें गड़बड़ होनी हद ज्यादा शुरू हो चुकी है और हमें नहीं पता कि इस टाइम पे एलिस जिंदा है कि नहीं। ओ जो आवाज सुनी हमने वो कार की सुनी थी, मोस्ट प्रोबेबली ये कार आवाज कर रही थी। भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अभी कोई कलेक्टेबल नहीं है जब तक कोई कट सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और बस स्पीड से चलते थोड़ा सा। इस टाइम पे ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लाइट हेलो समवन देयर The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. ठीक है, ये कुछ हमें मिले हैं manuscripts. कितने हैं यहाँ पे? ज्यादा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जितना मुझे पता है करीब 1995 ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट है जो हमें ये देखो ये वाली नाइटमेयर डिफिकल्टी है, ये नाइटमेयर डिफिकल्टी मोड के अंदर है, तो कुछ हमें वैसे नॉर्मल गेम में भी मिलेंगे और कुछ के लिए हमें स्पेसिफिकली नाइटमेयर मोड में खेलना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. ठीक है, so ये basically manuscript के अंदर हमें ये information मिलेगी। आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम नॉर्मली भी एक्वायर कर सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स को, बस कुछ लॉक्ड रहेंगी नाइटमेयर डिफिकल्टी के अंदर। कुछ हुआ? चांद भाई, ऐसी जगहों पे चांद कितना खतरनाक दिखता है। ओ ये मैंने किया अपने आप हुआ, अजीब है चांद भी, देखा एकदम से वो हो गया। ओ ये रोशनी आ रही है कहीं पे, किस चीज की रोशनी है? किसी घर की रोशनी है। The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. ठीक है, सो ये है एक लंबर यार्ड, ये भी बड़ा सही एरिया है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें बस। इस साइड में कुछ है? नहीं, चलते वापस। वैसे कहीं पे मुझे अभी तक स्टैमिना बार नहीं दिखाया कि हमें पता चल सके कि स्टैमिना कितना है इस टाइम पे एलन वेक का, हम पता नहीं कर सकते। जब हाफना शुरू कर रहे हैं एलन वेक, वो ही एक तरीका है। कुछ हुआ? कुछ हुआ? Anybody there? Please, I've been in an accident. ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। Hey you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. I need to... Premium cabins for rent in... Nightfall! Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation. Deposit required. Fair and square. Fair and square. ये एक बहुत ही अजीब था, कुछ हुआ यहाँ पे।
ओ किसी की डेथ हो रखी है यहाँ पे, डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पे। तो कार्लस्टकी वो जो बंदा था उसने ही हमें कैबिन की कीज देने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं दे पाया था। ठीक है, आप एक सेकंड रुको जरा, यहाँ पे एक है। इस साइड पे वो रहा, दिख गया थर्मस। नाइस। ठीक है, सो जो डार्कनेस है उसने बेसिकली इसको इन्फ्लुएंस करा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस टाइम पे एलन वेक एक सपने के अंदर ही हकीकत में सब कुछ हो रहा है। ओ मैन्यूस्क्रिप्ट पेज। ओके एक सेकेंड रुको। आगे बढ़ते हैं। इस साइड। ओ भाई। ओ भाई। भागो भागो भागो। यहाँ जाना है मोस्ट प्रॉबली है। Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Nice. यहाँ पे और कुछ है? बैटरीज। और क्या क्या यहाँ पे है? I wasn't about to open the door as long as I was liable to catch an axe with my forehead. Trying. It's the latest. Yes. In Bright Falls Sheriff's Station. Hello? Hello? ये क्या हुआ? ओ भाई निकलो यहां से। बंदे ने घर ही उड़ा दिया पूरा, देख रहे हो भाई साहब, घर ही गया पूरा, मशीन भी गई घर भी गया। खैर एक सेकेंड रुको जरा, रुको फोकस। The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. ठीक है, जरा एक मिनट मुझे चेक करने दो। ठीक है, मैं लोकेशन समझ में आ गया अगले ये कलेक्टेबल की। आगे बढ़ते हैं। यहां से निकलते हैं। ये गेट अपने आप कैसे खुला मुझे जानना है। ओके एनिमीज आ गए यहां पे थोड़े बहुत। गया। नाइस। Never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies; they just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. ठीक है, सो अब यहाँ पे इस साइड पे यहाँ नहीं तो कहाँ, वो वाला ये रहा रिवॉल्व, नहीं ये तो रिवॉल्वर लैमो है, तो यहाँ पे कहीं पर ही
एक कलेक्टेबल है लेकिन मुझे सही में नहीं आ रहा कहाँ पर है। उप्स 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 ये क्या हुआ? खैर उससे पहले एक सेकंड रुको, इस साइड से हम आगे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। मे बी इस साइड। Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. ठीक है, सो ये नाइस, ये भी कलेक्टेबल के अंदर ही आता है। ये जो है ना, ये ग्रेफिटी जो थी यहाँ पे, ये सिर्फ फ्लैश लाइट ही वो कर सकती है रिवील, और ये बेसिकली कलेक्टेबल। अब ये देखो, जैसे कि अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे, हाँ मैन्यूस्क्रिप्ट आ गई थी हमारी एक देखनी, ये वाली। The taking stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली पढ़ने लायक है कि नहीं सारे के सारे पेजेस, मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया सच कहूँ तो। खैर देखते हैं, मे बी या तो मैं गेम के एंड में एक बार पूरा का पूरा सेशन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए रख लूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक बार सारी की सारी हो जाएंगी इकट्ठी, उसके बाद मैं स्पेशली एक बार नाइट में गेम भी खेल लूँगा, नाइट में लेवल डिफिकल्टी पे, ताकि सारी की सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को मैं अनलॉक करके एक बार तुम्हें दिखा सकूँ सारी की सारी है क्या। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा वायबल ऑप्शन है, ना कि थोड़ी बहुत ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ने से, और इनका कोई बेनिफिट भी नहीं है सच कहूँ तो। ठीक है, हमें शायद से ख़राब करना है इस फ्यूज़ बॉक्स को, ताकि हम वहाँ जा सकें, इसको क्रॉस कर सकें। ठीक है, चलते हैं। The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. ठीक है, एक सेकंड रुको, गन पे रखते हैं प्लेयर लास्ट चांस के लिए। बाय बाय। ठीक है, इस साइड पे जाना फिर अब हमें, और यहां कोने में हमें मिलेगा मैन्यूस्क्रिप्ट पेज। बढ़िया, चलते आगे। यहां से अब हमें जाना है, ओके समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ओ ध्यान से भाई, ध्यान से, मैं नोटिस नहीं किया था। ओके क्या हुआ? What the hell was that? इसको डिमेंशिया है क्या? डिमेंशिया नहीं कहेंगे, सॉरी मैं नाम भूल गया एग्जैक्टली नाम क्या था, जब आपको टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है, एमनीशिया। इसको एमनीशिया है क्या? River below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. ठीक है, चलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि गाइड के अंदर इस साइड में हमें कलेक्टेबल मिलेगा। ये रहा, सॉरी एक अर्जेंट काम आ गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आगे चलने हमें, एक सेकंड को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर जा सकते हैं क्या हम? नहीं, यहाँ से तो आए हम, आगे बढ़ते हैं।
वो रहा। सो यहाँ पर भी एक हिडन वो है कलेक्टेबल। ये देखो इतना परफेक्टली छुपाया हुआ है इस वाले को, तो मैन्यूस्क्रिप्ट को काफी लोगों ने स्किप किया था इस वाले को। तो ठीक है एक सेकेंड रुको, मैं गलती से गाइड बंद कर दी, मैं ज़रा गाइड खोल लेता हूँ ताकि आगे का देख सके कि आगे क्या क्या है। और ठीक है खोल ली मैंने गाइड। ठीक है मैं समझ गया थोड़ा बहुत। और यहाँ से हम कूद सकते हैं क्या यार? 50-50 चांस है। उस साइड का कुछ है क्या तरीका? लग नहीं रहा कि यहाँ से कुछ होगा। ट्राई करते हैं। नहीं, अरे यार अब यहां से इस साइड चलते हैं। ये वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ओके ये कौन है? स्टकी है क्या अपना? स्टकी वाज स्टिल आउट देयर इन द डार्क स्टॉकिंग मी। ठीक है स्टकी जी अपने जो परेशान करेंगे हमें फिलहाल के लिए। उसके अलावा मैं एक मिनट ज़रा खोल लेता हूँ। ठीक है थोड़ा ध्यान रखना है स्टकी का। यहाँ कुछ है? नहीं उस साइड ही जाना पड़ेगा। ओके कुछ हुआ है बुरा। उप्स नाइस आजा। ओ ट्रॉफी मिली फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई। यू अवॉइडेड गेटिंग हिट विथ स्टाइल। बाय बाय। ट्रॉफी की टाइमिंग बहुत बुरी थी। ठीक है यहां से हमें कहाँ जाना है? इस साइड। ठीक है रुको कुछ आया। ये क्या है? ये मार्क्स का कुछ बेनिफिट है? ठीक है इस साइड कुछ नहीं है, उस साइड चलते हैं। फिलहाल कोई एनिमीज वगैरह नहीं दिख रहे मुझे। हाँ देखो ये लाइट है। इस टाइम पे हम लाइट के अंडर है, इस वजह से हमारी हेल्पफुल हो गई वापस। क्या stay here, there had to be a way to get up there. रुको यहाँ कुछ होगा। नाइस चलते आगे। रुको कुछ है क्या? नहीं इन बॉक्सेस का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा आगे चल के।
सो यहां से कहां जाएं हम? थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ ठीक है, ये एक मिल गया मुझे। With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर कॉफी थर्मस ही यहाँ पे है, ये क्या है? इससे पहले उस साइड चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये रही, यहाँ जाने में। और यहाँ से क्या सीन है यहाँ पे? एक सेकेंड, हेड टू योर राइट, इस साइड पे जाना है फिर हमें। नहीं, ये पहले सही करना पड़ेगा, उस तरफ लाना पड़ेगा ये। सॉरी, There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. ठीक है, हमें जनरेटर चाहिए इस टाइम पे, समझ गए। जनरेटर उस साइड होगा। नहीं, हम गलत साइड से आए हैं, उस साइड से घूम के जाना पड़ेगा। वो आगे लोग और आ जा, आ जा, आ जा। नाइस। कोई नहीं। अरे यार, आ जा, आ जा। बाय बाय। मैं कम से कम रिसोर्सेस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के रिसोर्सेस बड़े मुश्किल हो जाएंगे मिलने। ये मोस्ट प्रॉबेबली जनरेटर है। उससे पहले मुझे एक बार इस एरिया को देखना है अच्छे से। यहाँ पे ये क्या है? ओ, शॉटगन। नाइस। मैन्यूस्क्रिप्ट, बढ़िया। With all this forestry equipment around, there had to be ठीक something है, I आप could एक सेकंड use to रुको जरा। reach the ठीक top. अजीब है ये जो है, एक चेस्ट जो गायब है हमारे आंखों से। खैर, देखते हैं क्या है। यही कहीं पे एक चेस्ट है जो छुपी हुई है। मैं भी ये करते हैं, फिर पता चलेगा। हो गया, चलते आगे। ठीक है, सबसे पहले अभी के लिए गन ये वाली रखते हैं। और कुछ यहाँ पे?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? क्लाइम द हिल टू अ शैक, एक सेकेंड। यहाँ है एक तो। ये नहीं, पता नहीं क्यों मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन मैं सही में नहीं आ रहा मैं मिस क्या कर रहा हूं। वो रही जगह, ठीक है समझ गया मैं। ये जो मार्किंग है ये बेसिकली हमें संदेशा दिया जा रहा है कि यहां कुछ है। चलो अच्छा है, देख लिया मैंने। और यहां से हम फिर जाएंगे यहां पे, और यहां पर है, द टेकन आर फिल्ड विद डार्कनेस। ठीक है, तो जो हमारे इस टाइप एनिमीज है उनका नाम टेकन है, ऑफिशियल नेम। ये रहा चेस्ट का वो सिंबल, ओपन करते हैं। लिथियम बैटरीज, फ्लेयर गन, एक और नाइस। ये था जो मिस आउट कर रहे थे हम। अब हम जा सकते हैं। अब एक सेकंड रुको जरा, मैं एक बार नोट देख लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है। कॉफी थर्मस हो गई, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई, कैन पिरामिड। ठीक है समझ गया, चलते अब आगे। अब यहां पे जो होगा इस साइड, इस वाली पे जाना है हमें? नहीं, ये बस एक डेकोरेशन है, आगे वाली पे जाना है। यहाँ कहीं पे है, ये रहा। ठीक है, सो बस यहाँ पे ला देंगे काफी। काफी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास ही है। उससे पहले और कोई तो कुछ कर नहीं सकते इसका, चलते ऊपर। सो हमें एक बालकनी ढूंढनी है और वहां पे हमें मिलेगा कुछ सामान। नाइस, हाँ वो रही बालकनी, वहां चलते हैं। इस साइड पे बेसिकली कैन ऑफ पिरामिड्स हैं। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। डन। इसके बाद यहां से हमें जाना है ऊपर, इस शैक के पास जाना है, और यहां पे हमें एक रेडियो मिलेगा। Just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep.
The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. ओके अब चलते हैं यहाँ से. ओके यहाँ पे जैसे कि ये देखो मार्किंग है यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए हमें. मैन्युस्क्रिप्ट पेज, नाइस. थोड़ा सा और चलते हैं इस साइड पे, यहाँ पे थोड़े बहुत और शैक्स वगैरह हैं. ओके ओ ये चेस्ट, यहाँ चलते हैं. नाइस बढ़िया. और फिर यहाँ से अगर हमें जाना है कहीं पे, ठीक है चलते हैं. अब यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा मुझे. आगे बढ़ते हैं. सो यहां से हमें बेसिकली जाना है राइट पे. वोरा, वोरी कॉफी थर्मस. द गैस स्टेशन वॉज क्लोजर नाउ, इट्स लाइट वेलकमिंग इन द डार्कनेस. आजो आजो आजो. इस साइड पे चलते थोड़ा सा. यहीं कहीं पे कॉफी थर्मस मिलेगी. उप्स सॉरी. यहीं कहीं पे कॉफी थर्मस है. वो रे इसको ले लेते पहले. और सबसे पहले यहां पे इसको जनरेटर ऑन कर लेते हैं. उप्स ये क्या. बाय बाय. स्टार्ट करते इसको. ये हो गया, ये हो गया, डन. ये बेसिकली हील हमें काफ़ी ज़्यादा करता है, एक चेक पॉइंट की तरह भी काम करता है ये एरिया. नाइस. और यहाँ पे एनिमीज हमें परेशान नहीं कर सकते इस स्लाइड के अंडर. उसके अलावा ये है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं. चलते हैं. चलो चलो चलो. वो रहा मैन्युस्क्रिप्ट.
हो गया ऑलमोस्ट। ये गया, ये गया, नाइस। वहाँ चलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के पास सीधा, वरना परेशान करते रहेंगे ये। नाइस। वैसे अगर 36 में देखें हमने कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स ले लिए, 8। ठीक है, अभी तक हम सारे ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मिस आउट कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इस एरिया के अंदर सबसे पहले सप्लाई बॉक्स है, यहाँ पे इसको लेते हैं। इसका नाम एक्चुअली सप्लाई बॉक्स है सीधा। क्या ये बैटरीज? ओके, 20 के लिमिटेड बैटरीज के अंदर। मुझे चेक करना था कि एक्चुअली लिमिट कितनी है हमारी बैटरीज में, तो अब पता चल गया तो अच्छी बात है। तो यार अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बड़े बढ़िया कॉन्टेंट डालता रहूंगा अपने चैनल पर, तुम भी उन्हें जरूर चेकआउट करना। और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कंटेंट बढ़िया है, उसको जगह शेयर करो और आपके तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।